वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल, मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है। अब पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, ठीक है। हमने लगभग लास्ट इसके पे आ चुके हैं, हम बाइकार्मलिज्म डिस्कस कर रहे थे। तो बाइकार्मलिज्म क्या होता है, कभी भी मतलब किसी चीज़ को या फिर हम कहेंगे किसी विधानसभा को अगर दो हाउसेस में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाईकार्मल लेजिस्लेचर, ठीक है। जैसे भारत में क्या है, पार्लियामेंट दो हिस्सों में है ना, एक राज्यसभा है एक लोकसभा है, बट कई जगह ऐसा होता है, कई देशों में यूनिकार्मलिज्म है, केवल एक ही हाउस होता है, दो हाउस नहीं होते। पर भारत में क्या है, बाईकार्मलिज्म, ठीक है, लोकसभा भी है राज्यसभा भी है। वैसे ही जो 11 प्रोविंसेस थे उसमें से 6 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बाईकार्मलिज्म जो है इंट्रोड्यूस करा दिया। वो 6 कौन कौन सी जगह थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। अब बाईकार्मलिज्म में दो हाउस थे, एक था फेडरल असेंबली जिसकी स्ट्रेंथ थी, जिसको लोअर हाउस बोलते थे, 375 मेंबर्स की, और दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस था, उसकी स्ट्रेंथ थी 260 मेंबर, ठीक है। टर्म कितने का था, 5 साल का था, 5 साल का टर्म होता था। ये था आपका ओवरऑल बाईकार्मलिज्म का। फिर क्या था, इसमें बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस्टेब्लिश किए गए थे, लाइक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट और RBI की भी स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई। बर्मा सेपरेट हुआ April 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या एबॉलिश कर दिया, काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसका क्या किया, जो 1858 में क्रिएट किया गया था, ये जो काउंसिल फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो कार्यकाल था, इसने पूरा जो है एबॉलिश कर दिया, एंड कर दिया इसको, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फेडरल कोर्ट की क्या हुई, स्थापना हुई। ये हद्दन बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है कब, किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1937 में, ठीक है। अब कौन बनते हैं पहले चीफ जस्टिस, तो सर मॉरिस गोयर जो है बने थे पहले चीफ जस्टिस दो अदर जजेस के साथ। वो दो अदर जजेस कौन कौन से थे, सर शाह मोहम्मद सुलेमान और M.R. जयकर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिए कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1937 में बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ उसमें चीफ जस्टिस कौन थे, सर मॉरिस गोयर। कौन थे, सर मॉरिस गोयर चीफ जस्टिस थे। दो अदर जजेस कौन कौन से थे, सर शाह मोहम्मद सुलेमान और M.R. जयकर। कौन कौन से थे, सर शाह मोहम्मद सुलेमान और M.R. जयकर, ठीक है। ये दो अदर जो है जजेस थे, ठीक। फिर इट फंक्शन अल्टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 28 जनवरी 1950। अब ये इसका फेडरल कोर्ट का कार्यकाल कब तक चलता रहा, तो फेडरल कोर्ट का कार्यकाल स्टूडेंट्स चलता रहा जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुआ है आपका, इस्टेब्लिश हुआ है 28 जनवरी 1950 को, यानी तब तक जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया चलता था, ठीक। इट वॉज हाउ एवर नॉट द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, इन सर्टन केसेज द अपील्स वुड बी मेड बाई द प्राइमरी काउंसिल इन इंग्लैंड। मतलब फेडरल कोर्ट जो थी वो एक, हम ये नहीं कह सकते थे कि एकदम फाइनल डेस्टिनेशन है, यहीं पर जाके एंड हो जाएगा, इसके बाद कोई आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राइमरी काउंसिल इन इंडिया में भी कभी कभी अप्लाई कर सकते थे कुछ कुछ केसेस में, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का क्या है, वो तो लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, इसने क्या किया, फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड कर दिया। जैसे कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी दी गई थी, हमने पहले भी पढ़ा है, एजुकेशन के हिसाब से और टैक्सेस रेवेन्यूज के हिसाब से जो है कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी दी गई थी, तो उस चीज़ को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया और अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। अब वोटिंग राइट यानी वोट देने का अधिकार जो है वो 10% जनता को क्या हुआ था, मिल चुका था, ठीक। ये था आपका पूरा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज एंड होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और स्टार्ट करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक। अब इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन July 4, 1947 एंड रिसीव द लॉयल असेंट ऑन July 18, 1947। अब इंडिपेंडेंस, भारत के इंडिपेंडेंस का जो बिल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 4 जुलाई। डेट सारी याद रखनी है, छाप लीजिए एकदम दिमाग में, 4 जुलाई 1947 को बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसको रॉयल असेंट मिल गई यानी वो मंजूर किया गया 18 जुलाई 1947 को,
और वो एक्ट जो है फोर्स में या फिर हम कहेंगे लागू कब हो गया, 15 अगस्त 1947 को। इसी के साथ भारत हो जाता है आज़ाद। ठीक है, क्या हो जाता है, भारत आज़ाद हो जाता है। तो कब आया बिल इंट्रोड्यूस, कब हुआ, 4 जुलाई 1947। पास कब हुआ, या हम कहेंगे रॉयल असेंट कब जो है इसको मिलता है, जुलाई 18 1947। केम इन टू फोर्स एक्शन कब हुआ, या फिर एकदम मतलब लागू कब से हो गया, 15 अगस्त 1947 को, और उसी के साथ साथ भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, इस एक्ट के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।